हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। और ये चैप्टर 8 है फ्रेंड्स, जिसका नाम है मेटलर्जी और ये इसका पार्ट 9 है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसे पूरा वॉच कीजिए। अगर आप इसे पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमिना कुछ भी नहीं समझेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है मेटलर्जी और ये साइंस 1 का पार्ट है। इंक्लूडिंग ऑल टॉपिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाय प्रशांत, मैं हूँ प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। इसके पहले हम लोग ने सीखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, यानी कि इसके पहले हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था उसमें हम लोग ने सीखा था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। ये दोनों ग्रेफाइट के बने होते हैं। जो कैथोड होता है इसमें होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और जो एनोड होता है इसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एनोड होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग को पता है कि दो रिएक्शन भी टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी कि अनायन और कटायन, ये दो आयन्स होते हैं। कटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो अनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड्स, ठीक है। नहीं समझता है तो वीडियो को एक दो बार वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो अब हम लोग को सीखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। अभी तक हम लोग मेटल के जो एक्सट्रैक्शन है उसमें से हाईली रिएक्टिव वाला, यानी कि हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, उसमें से हम लोग एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ना है, यानी कि जो जहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है अपने इम्प्योर फॉर्म में, उसमें से प्योर उसको प्योरिटी में, यानी कि प्योर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो ये अगर हमको एल्यूमिनियम के बारे में सीखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर इसका एक्सट्रैक्शन सीखना है तो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम क्या होता है ये पता करना पड़ेगा। नाउ तो पता करते हैं। नाउ एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन नेचर इन अ फ्री स्टेट। जो एल्यूमिनियम होता है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए अब ये इसीलिए जो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलता है नेचर में, क्योंकि ये हमेशा कभी ना कभी किसी से किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर ही लेता है। इसीलिए कभी सिर्फ एल्यूमिनियम ऐसे ही एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली एबुंडेंट एलिमेंट। ये बहुत ही एबुंडेंट है, यानी कि एल्यूमिनियम थर्ड हाईली एबुंडेंट है, मतलब कि जो अर्थ में सबसे थर्ड नंबर पर यह मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन इजिली मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये हाईली एबुंडेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है AlO3NH2O। N के जगह में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉक्साइट कितने नंबर ऑफ वाटर अपने पास कंटेन करता है। अगर N के जगह में 1 तो 1 नंबर ऑफ वाटर, 2 तो 2 नंबर ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ तो बॉक्साइट का एमसीक्यू में आ सकता है AlO3NH2O। नाउ बॉक्साइट कंटेन्स 30-70% ऑफ AlO3 एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंगवे। यानी कि जो एक समझ लो बॉक्साइट अगर आप लेते हो तो उसमें से 30-70% ही एल्यूमिनियम होता है, यानी कि जो एल्यूमिना है Al2O3, यानी कि इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको गैंगवे यानी कि इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, यानी कि जो मिट्टी होती है, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड, यानी कि कौन कौन सी इसमें इम्प्योरिटी होती है, सैंड यानी मिट्टी की इम्प्योरिटी, सिलिकॉन की यानी कि सिलिका की जो इम्प्योरिटी है, और आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी, ठीक है। देयर आर टू स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन अगर करना है एल्यूमिनियम का तो हम लोग के पास दो स्टेप होता है, या तो हम लोग हॉल्स प्रोसेस से कर लें, या तो फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनिया, और या तो फिर हम लोग सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के एक्सट्रैक्शन के सबसे पहले लीचिंग मेथड हम लोग को करना ही पड़ेगा। और लीचिंग क्या होता है कि जो हमारा एक कोई भी मॉल्टन सॉल्यूशन है तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना ही पड़ेगा, यानी कि कोई भी मॉल्टन सॉल्यूशन में उस इलेक्ट्रोड को यानी कि उस सॉल्यूशन को डुबाना ही पड़ेगा, इस मतलब जो गैंगवे है या फिर जो इम्प्योरिटी है उसको डुबाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे सीखना। नाउ अब हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में समझते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो होता है Al,
एटॉमिक नंबर इसका होता है 13, कलर होता है इसका सिल्वर व्हाइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 283, वैलेंसी इसकी होगी 3, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहना चाहिए। गाइस अभी हम लोग देखते हैं, तो ये जो कलर है इसका सिल्वर व्हाइट होता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी होगी 3। यानी कि हमेशा जब भी ये अभी मेटल है और मेटल हमेशा कटायन क्रिएट करता है, कटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यानी कटायन क्रिएट करेगा, यानी कि ये हमेशा Al3+ फॉर्म कर सकता है। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना किसी ना किसी को, ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या क्रिएट करता है, Al2O3। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में एल्यूमिनियम के बारे में समझने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसमें सीखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, यानी कि बॉक्साइट ओर अपने अंदर कितनी गैंगवे यानी कि कितनी इंप्योरिटीज को रखता है। ठीक है, तो बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम मिलता है। सिलिकॉन, फेरिक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द बॉक्साइट। एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं बॉक्साइट में, तो वो है सिलिका, दूसरा है फेरिक ऑक्साइड, तीसरा है टिटेनियम ऑक्साइड TiO2। ठीक है, ना सेपरेशन ऑफ दीज इम्प्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस। सबसे पहले लीचिंग प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक मेटल के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीचिंग प्रोसेस यूजिंग आइदर बेयर्स मेथड, दूसरा हॉल्स मेथड, यानी कि आप बेयर मेथड से भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो एल्युमिनियम का, दूसरा है हॉल्स मेथड का भी। हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड एकदम सिमिलर होते हैं, बस थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंशिएशन होता है, वो डिफरेंशिएशन क्या है मैं आप लोग को समझा दूंगा आगे। ठीक है, इन बोथ दीज मेथड्स फाइनली द कंसेंट्रेटेड एल्युमिना इज ऑब्टेंड बाय कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से मिलता है ये दोनों फाइनली जो कंसेंट्रेटेड एल्युमिना है। अब ये कैल्सिनेशन क्या है आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इन द बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड एंड ग्राउंड इन अ बॉल मिल, एक मिल होती है उस मिल में ये सबसे पहले ग्राउंडेड होता है, देन इट इज लीच्ड, यानी कि पहले लीचिंग प्रोसेस, लीच्ड बाय हीटिंग विद कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब जो हम लोग लीचिंग मेथड के लिए एक मॉल्टन सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तभी तो हम लोग ने ऐसा कुछ किया था ना, यहाँ पे मॉल्टन सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में जो भी है उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने टेम्परेचर पे, 140 to 150 degrees Celsius टेम्परेचर पर, अंडर हाई प्रेशर, कितने प्रेशर पे, 2 to 8 hours इन अ डाइजेस्टर, इतने घंटों तक हम लोग रखते हैं, और हाई प्रेशर पर, और कितने टेम्परेचर में, 140 to 150 degrees Celsius ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ एल्युमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, जो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं, तो एल्युमिनियम हमेशा ऑक्साइड क्रिएट करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, तभी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना Al2O3, तभी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, और जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। नाउ इट रिएक्ट विद द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्युमिनेट, दिस मीन्स दैट बॉक्साइट इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि जो एल्युमिनियम है ये लीच्ड किया जा सकता है कौन से सॉल्यूशन से, कौन से मॉल्टन सॉल्यूशन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि लीचिंग करने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी लीचिंग के लिए, एल्युमिनियम की। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस कंप्लीट, समझ गया, सबसे पहले हम लोग लीचिंग ही तो करते हैं, तो लीचिंग हो गया, हम लोग ने इसको लीच कर लिया। अब हम लोग इसका एक रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Al2O3 ये क्या है, ये एक बॉक्साइट है, मैंने बोला था जहाँ पे 2 है वहाँ पे N लिख सकते हैं, N के जगह में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम लोग ने इसका कौन सा सॉल्यूशन के साथ लीच किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कौन सा, एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्शन करने के बाद सोडियम एल्युमिनेट बना और दूसरा वाटर रिलीज हो गया, समझ गया आप लोगों को इस बात को, सोडियम एल्युमिनेट यहाँ पर क्रिएट हुआ है।
नाउ अब देखते हैं द आयरन ऑक्साइड इन द गैंगवे डज नॉट डिजॉल्व इन द एक्वेसियस जो एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो आयरन ऑक्साइड है जो वो कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है ये बात आपको समझ गई होगी। नाउ इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो अब देखो ये जो आयरन ऑक्साइड है इसके अंदर जो क्रिएट होता है वो जो ये यानी कि ये सोडियम है ये ऑक्साइड्स जो हैं ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं। यानी कि जो Fe2 यहाँ पे देखो वहाँ पे एक इम्प्योरिटी कौन थी, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी ना, सिलिका है आयरन ऑक्साइड ये सारी इम्प्योरिटी थी। तो ये जो इम्प्योरिटी आयरन ऑक्साइड है ये डिजॉल्व नहीं होती है इसमें, क्योंकि लीचिंग मेथड में क्या होता है जो सारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो आयरन ऑक्साइड डिजॉल्व ही नहीं हुआ। और जब ये डिजॉल्व नहीं हुआ तो इसी को डिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि उस इम्प्योरिटी को भी भगाना है ना हमें, तभी तो एल्यूमिनियम मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसके लिए भी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड को हम लोग करते हैं। ठीक है इसीलिए, ठीक है। नाउ हाउएवर सिलिका इन द गैंगवे डिजॉल्व इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट। समझ गया, सोडियम सिलिकेट वाटर सोल्यूबल होता है और एक क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिलिका होता है गैंगवे का, सिलिका सिलिका भी प्रेजेंट होता है ना जो कि इम्प्योरिटी है, तो इस सिलिका को डिजॉल्व करते हैं किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्या क्रिएट करने के लिए, सोडियम सिलिकेट क्रिएट करने के लिए। समझ गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सिलिका को हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम सिलिकेट। नाउ एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर एंड इज कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है देखो अब हम लोगों ने सीखा था ना लीचिंग मेथड में सारी इम्प्योरिटी। अब देखो एल्यूमिनियम है, इस बेयर्स मेथड में क्या हुआ, इस मेथड में हुआ कि हम लोगों ने लीच किया, किसको लीच किया, एल्यूमिनिया का यानी कि बॉक्साइड को, बॉक्साइड को हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, और जैसे ही बॉक्साइड को हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो सोडियम ने कुछ रिएक्शन किया, और जो मतलब जो भी उसका सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ बॉक्साइड का, उसमें से जो बॉक्साइड के अंदर फेरिक ऑक्साइड नाम की जो इम्प्योरिटी है गैंगवे है वो डिजॉल्व नहीं होती है, क्योंकि लीचिंग मेथड में क्या हुआ करता है, उसमें सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाया करती हैं, तो उसमें वो डिजॉल्व नहीं होती है। और जब डिजॉल्व नहीं होती है इसीलिए हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड को करते हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद वो क्या करता है, जो सिलिका होती है वो सिलिका सोडियम सिलिकेट बन जाती है, किसके साथ रिएक्शन करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। तो यही है बेयर्स मेथड। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग कूल कर लेते हैं किसको, जो एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट है जो हमें क्रिएट होके मिला, उस एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट को इसे हम लोग कूल कर लेते हैं वाटर के साथ। देखो यहाँ पर कूल करने का रिएक्शन भी है, तो जब हम इसे कूल कर लेते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कूल करने के बाद, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे से बाहर निकल जाती है उस कंटेनर में से। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखेंगे तब हम लोग उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये था पूरा मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा हॉल्स प्रोसेस है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो हॉल्स प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने बेयर्स मेथड देखा कि हम लोगों ने लीचिंग किया किसका, बॉक्साइट का लीच। जब हमने बॉक्साइट को लीच किया तो हम लोगों ने उसको डिजॉल्व किया किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब जो उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है फेरिक ऑक्साइड की वो डिजॉल्व नहीं हुई, इसलिए हमने इसका फिल्ट्रेशन मेथड किया। फिल्ट्रेशन जब हमने किया तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने के लिए हमने इसे कूल किया था कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। तब हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2OH। ठीक है, याद रखना। नाउ अब एक और मेथड है हॉल्स प्रोसेस। तो हॉल्स प्रोसेस भी एकदम सिमिलर है, इसमें भी लीचिंग होती है, बस फर्क सिर्फ कितना है, इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। समझ गया आपको, यानी कि हॉल्स प्रोसेस भी सिमिलर है, बस हम लोग उसमें बॉक्साइट डायरेक्टली यूज कर रहे थे, और हॉल्स प्रोसेस में हम लोग जो हमारा ओर है बॉक्साइट है उसे हम लोग पाउडर के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह में सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, बाकी का कुछ नहीं। इसमें भी फिल्ट्रेशन मेथड होगा, फिल्टर्ड होगा, न्यूट्रलाइज होके फिर प्रेसिपिटेट होकर इसका क्रिएट होगा, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी क्रिएट होगा। समझ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी वैसे ही बनेगा। तो आप लोग एक बात बता दीजिए, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अभी भी क्या हम लोग को इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में मतलब प्योर फॉर्म में कुछ मिला है क्या, नहीं। तो जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, ये हमें प्योर एल्यूमिनियम चाहिए, हमें बॉक्साइट में से प्योर एल्यूमिनियम चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी तक हमें सिर्फ कहां तक मिला है, AlOH3 तक,
यानी कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हमें सिर्फ अभी ये मिला है, यानी कि अभी भी हमको ये रिमूव करके सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। तो अभी भी हमारा प्योर एल्युमिनियम नहीं मिला है, हमें सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेयर्स जो मेथड है और जो हॉल्स प्रोसेस है, इससे हमें अभी भी प्योर एल्युमिनियम नहीं मिलता है, सिर्फ हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलता है, ठीक है। तो हमें ये प्योर एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम है वो कब मिलेगा बॉक्साइड में से, जब हम लोग इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। यानी कि एक बात फिक्स हो गई, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, इसमें से अगर कोई भी मेटल हम लोग करते हैं यूज या फिर कोई भी एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, तो ये प्योर एग्जैक्टली 100% प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ना करें तो तब तक वो मतलब जो मेटल है, जो एलिमेंट है, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। यानी कि प्योर फॉर्म में कब मिलेगा, जब उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। और आप लोग को तो पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिर जो Al और जो OH3 है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे 3 times में, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसमें अभी Al और जो यहाँ पे समझ लो ये है, तो AlOH3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो Al+ बन जाएगा क्योंकि ये मेटल होता है, और OH- हमेशा निगेटिव फॉर्म में होता है, तो ये निगेटिव बन जाएगा। बाद में ये निगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, क्योंकि ये अनायन है, तो ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास, और ये कैथोड के पास। तो बस यही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसे करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद ही हमें प्योर एल्युमिनियम मिल सकता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी।